That's the word. हमने देखा कि क्या मस्त पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं लोग। ऐसे स्पेस बना के पैर रख रख के चढ़ना पड़ेगा। हमने क्लाइंबिंग कर ली और क्लाइंबिंग करके क्या मिला? वाओ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है हमारा सेकंड डे इन ओसाका। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं तोतोरी में, तो बाकी की डिटेल बताएगी याशिका। मैं ड्राइविंग स्टार्ट करता हूँ। तोरी हम लोग निकलने लगे हैं मॉर्निंग में, थोड़ा सा 7 o'clock के अराउंड हम निकले हैं। और अगर हो सका तो हमें पैराग्लाइडिंग वहाँ करने को मिल सकती है, जो मुझे बहुत पसंद है। तो देखते हैं वहाँ जाके हमें मिलती है क्या होता है। और उसके बाद आगे तोरी तो है ही बेस्ट प्लेस, जहाँ पे सब कुछ है, सैंड भी है और क्या बोलते हैं उसको, समुद्र भी है वहीं पे। बीच एंड सैंड डोम दोनों एक ही जगह पे मिलेंगे, जो बहुत रेयर होता है कि कहीं पे ऐसी चीज मिले आपको, वो आज हमें देखने के लिए मिलेगी। तोरी में अभी हम पहुंचे ही थे कि हमने देखा कि क्या मस्त पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं लोग। याशिका का मन कर रहा है, तो देखते हैं अगर होगी तो याशिका को करा देंगे। वाओ, सो अमेजिंग। सो चिल्ड एंड सो अमेजिंग। लॉट ऑफ वाटर कमिंग, क्लीन वाटर आल्सो। सेम देयर। चलो लेट्स गो। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उरा दो में कोस्ट में। तो हंचित बड़ा मजा कर रहा है सैंड में। को वहाँ पे श्राइन भी बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी जूम करके। वो गेट भी बना हुआ है, वाह, छोटा सा श्राइन बना रखा है वहाँ पे। हम नहीं जा सकते अभी क्योंकि एक्चुअली आज वेव बहुत ज़्यादा तेज है, तो इसलिए बोटिंग वगैरह बंद है। नहीं तो यहाँ बहुत अच्छी बोटिंग होती है। और इफ़ यू आर कमिंग टू तोतोरी, प्लीज़ इंजॉय पैराग्लाइडिंग। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट्स रीजनेबल प्राइस, 9,000 yen। एंड दे विल बी गिविंग सम इंस्ट्रक्शंस, लेट्स लिसन टू दोज इंस्ट्रक्शंस। इट विल बी इन जापानीज। अंचित का बड़ा मानना है कि अंचित भी जाएगा वहाँ पे, बट अलाउड नहीं है छोटे बच्चों को, बट उसने हेलमेट पहन के ही जा रहा है साथ ही। वो जाने नहीं दे रहा है यशिका को अकेले, कह रहा मैं भी साथ जाऊँगा उड़ने के लिए। ये माँ बेटे एक जैसे हैं, नीडर फियरलेस। काफी दूर चली गई है एक्चुअली। ये देखो यहाँ से है, हम यहाँ खड़े हैं, वो वहाँ चली गई है। सो फार अवे। अभी याशिका की बारी आ गई है। याशिका इज गेटिंग रेडी फॉर दिस। याशिका अपना एक्सपीरियंस शेयर करो हमारे साथ। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। लोगों को रेकमेंड करो कि करने आए यहाँ पे। ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा है। रवीन और हंचित नाचते हुए आ रहे हैं सैंड में। पैराग्लाइडिंग करने के बाद सबको बहुत भूख लग रही थी। एक्चुअली 3:30 हो गए अभी हमारे यहाँ पे। तो अभी हम आए हैं रेस्टोरेंट के अंदर, एक इटालियन रेस्टोरेंट है जिसमें यशिका ने बहुत ही अच्छा फूड ऑर्डर किया, दिखाता हूँ आपको अभी। देखो इटालियन रेस्टोरेंट के अंदर इसने चिकन राइस ऑर्डर किया, साथ में उन्होंने चिकन रख के दे दिया। और पिज्ज़ा तो है ही है, मस्त वाला। थिक क्रस्ट वाला है कि थिन क्रस्ट वाला है? थिन क्रस्ट वाला पिज्ज़ा अगर किसी को याद है जापान में कैसा मिलता है, तो ये मिलता है। और हंचित ने तो आइसक्रीम जीत करके ले ही ली। और अभी हम खाएंगे अपना ये खाना, फिर आपको मिलते हैं खाने के बाद। तो लंच भी हो गया, अब जो लास्ट पॉइंट रह गया है
वो रह गया हमारा म्यूज़ियम का। तो अभी हम लोग इस म्यूज़ियम में जाने वाले हैं। सामने ही शॉपिंग के लिए रेस्टोरेंट भी है अगर आपको कुछ सुविनियर लेना है, और यहाँ से एंट्री होगी तोतोरी सैंड म्यूज़ियम। ये है देखो, चेकोस्लोवाकिया के फॉर्मेट पे है ये। 13th एनुअल एग्जीबिशन है, दैट मीन्स 13 हो चुके हैं, 13 ईयर्स इसको हो चुके हैं स्टार्ट हुए। और इसकी जो फीस है इट्स वेरी चीप, इट इज़ 600 येन इंडिविजुअल, और ग्रुप में आओगे तो और 100 येन डिस्काउंट हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको, इसकी जो एंट्री है वो लास्ट 4:30 तक होती है और 5 o'clock तक ही ओपन रहता है। यशिका टिकट की पेमेंट कर रही है। यहाँ से स्टार्ट होता है स्कल्पचर होने। वाओ, दैट्स द वर्ड व्हिच कम्स आउट ऑफ योर माउथ जैसे आप देखते हो। वाओ, कैसे बना लेते हैं ये लोग। हाँ, और ये है क्या, देखो पॉज करके देख लेना इसमें क्या लिखा है। गिर गया, मोती गिर गया। यशिका ने पकड़ लिया कि इसकी माला का मोती टूट गया है। यशिका तुम्हारी नजरें तो बड़ी तेज है, मोती भी निकल जाता है, ये तो फिर सैंड है। तो नाम भी इनके ऐसे ही है ना, वो चेकोस्लोवाकिया वाले हैं, इंग्लिश में भी नहीं समझ आते। बताओ ये फाइटिंग कैसे बना दी इसकी? फायर फाइटर देखो, नहीं ये फाइटिंग वाला घोड़े पे जाके अपनी लड़ाइयाँ करके आ रहा है। दो दो घोड़े क्यों ले रखे इसने? अच्छा वो उसका अलग, किसी और का घोड़ा है। और लो पुलिस ने पकड़ लिया इस बंदे को, तो वो पीछे वाले ने भी हाथ खड़े कर लिए, मेरे को भी पकड़ के ले जाओ भाई। ये लड़का है लड़की है? इतनी बड़ी गुत है इसकी, इतनी बड़ी गुत की गन देख क्या मस्त बनाई है। हाँ जी, वॉन्ट दिस गन? यस, हर चीज़ में यस। हाथ देखो क्या मस्त है, मैं तो एक हाँ उड़ रहा है ना, जो उसके बाल उड़ रहे हैं जो हवा में, भाग रहा है ना ऐसे। हाँ एकदम सो नाइस। ये देखो ये वाला तो मैंने देखा ही नहीं इसके चक्कर में, इधर वाला भी है देखो। वाओ, टाइम कितना मानची देख के बताओ। बता ऊपर भी कोई बैठा है, पंछी उड़े हेड बनाया है इन्होंने कहाँ पे? ओ, वो तो दिखे ही नहीं मेरे को, मुझे लगा ऐसे दीवार बनाई है, लेकिन याचिका की नजर इतनी तेज है। ये उसने पहनी थी, धर्मेंद्र ने एक मूवी में पहनी थी ना वही वाली चप्पलें पहनी थी, ऊपर ऐसे क्रॉस थी और ये चप्पल पहनी थी। तो ये धर्मेंद्र ही आप समझ ली थी इंडिया का। चलो और चलते हैं, ये काफ़ी बड़ा है एग्जीबिशन हॉल है ये। और देखिए जापान की खासियत कि इसे नॉर्मल बनाते हैं कि बच्चों के साथ आओ तो आपकी प्रैम भी चल जाए अंदर। हाँ जैसे वो सामने देखिए, ये देखो सारे प्रेयर करने आए हुए हैं, बचा लो बचा लो। हाँ पर ये देखो ये कोरोना के टाइम से पहले की चीज़ें हैं सारी, सब इतने सारे बिना मास्क के घूम रहे हैं। आज की डेट में करके दिखाए कोई ऐसा। ये देखो भाई साहब कितनी सुंदर लड़की है। ओहो पीछे से फाउंटेन भी चला रखा है, वाटरफॉल भी है। हाँ हम लोग ये ऊपर की सारा कुछ देखते रह गए और नीचे देखा ही नहीं, यहाँ तो शराब की दुकान खुली हुई है भाई। ये लो पियो शराब और अपना एंजॉय करो। याचिका रेडी हो रही है फ़ोटो के लिए, बहुत ही मस्त है। आंखें देख क्या मस्त बनाई है देख इसकी। ये एक और बनाया इन्होंने, पता नहीं किसी का स्कूल है क्या है ये, हार्डवेयर यूनिवर्सिटी टाइप। चीज हंचित किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है देखने के लिए? क्या बेटा ये? ड्रैगन, व्हाट वी कॉल इट, ड्रैगन, 3 ड्रैगन्स है बेटा वो। फर्स्ट फ्लोर से हमने एंटर किया था, सेकंड फ्लोर पे हमने ये अभी देखा सारा का सारा म्यूजियम जो आर्ट था पूरा काम। अब हम थर्ड फ्लोर पे जाएंगे। थर्ड फ्लोर पे क्या है उसी को ही आप ऊपर वाले व्यू से भी देख सकते हो। ये इनकी स्कीम थी कि बाहर भेजो कुछ ना कुछ होगा, बाहर आए तो बस एक ये छोटी सी मूर्ति ये वाली और एक ये वाली, ये बंदा कोई सोया हुआ। चला गया सूरज हमारा, कह
कैसा लगा याशिका? मुझे लगता है मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा होगा, लिटरली वो यहाँ था, वो धीरे 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 करते करते आपने हमारी वीडियो में देखा होगा कैसे वो नीचे चला गया। उन्होंने तो बड़ा जल्दी देखा है, तुम थोड़ा स्लो स्लो दिखा रही हो। धीरे धीरे नीचे चला गया, बहुत सुंदर लग रहा था। अभी भी उसके शेड है, अभी भी ऑरेंज ऑरेंज, ये देखो कितना शेड आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ऑटम, अगर आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो अगले महीने तक या 15 दिन तक, ये पूरे के पूरे रेड हो जाएंगे। अभी शुरू हो चुका है ऑटम यहाँ पे, वो देखो उधर वाले पेड़ भी अच्छा लग रहा है। और वो है देखो डोम ड्यूम्स, वो ये है सैंड ड्यूम्स है, हमने वहाँ पे पैराग्लाइडिंग करी थी, वो जो थोड़ा सा खड्डा ज्यादा बड़ा है वो उन्होंने उसके लिए बना रखा है। और ये जो है ये पूरा का पूरा हमारा सैंड भी है, बीच भी है। तो अभी हम आपको वहीं लेकर चलते हैं, थोड़ा अंधेरे से पहले पहले। तोतोरी का मेन यही दो चीजें हैं, आप वो सैंड ड्यूम्स देख लीजिए, यहाँ पर आके पूरा म्यूजियम देख लीजिए, और इतनी ज्यादा स्कल्पचर जो इन्होंने बना रखे हैं। ये टोक्यो से काफ़ी दूर बनाया है लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार आप ज़िंदगी में जब भी जापान में रह रहे हो अगर तो आप ये एक बार देखने जरूर आइए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। अभी हम आपको नज़दीक से भी दिखाते हैं कि समुंदर और रेत इतनी ज़्यादा और वो भी इतने पहाड़ बड़े बड़े कैसे लगते हैं। सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, ये हमारे सैंड ड्यून्स की एंट्रेंस, इज़ टोटली फ्री। ये सब सैंड ही सैंड है जापान के अंदर, इतनी सैंड जापान कहाँ से लेकर आया है, दुबई से इंपोर्ट की है, सऊदी अरेबिया से, कहाँ से। ये देखो लोग ये पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, देखो रेत के पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश। रंजीत को लेके प्लेन रास्ते से जा रही है, हम स्टीप चढ़ाई चढ़ेंगे, आओ। बहुत मुश्किल है चढ़ना, ये देखो ऐसे स्पेस बना के पैर रख रख के चढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम वैसे ही चढ़ने वाले हैं, कोशिश पूरी है हमारी सीधी चढ़ाई ऊपर चढ़ जाए। ये देखो वहाँ टॉप तक जाना है, नीचे से आए हैं, वेरी गुड। फाइनली हमने क्लाइंबिंग कर ली, और क्लाइंबिंग करके क्या मिला, वाव व्यू ऑफ द डे, समुंदर। वॉक करके नीचे जा रहे हैं, दे आर सो हिम्मत वाला। हाँ जी स्लाइड डाउन करोगे पापा के साथ? नहीं गिर पाएंगे, हाँ जी पुश करेगा मेरे को, करो। कोशिश कर रहा हूँ पर लग नहीं रहा कि मैं अपने आप जा रहा हूँ, मुझे खींचना ही पड़ रहा है, अपने आप को धक्का ही मारना पड़ रहा है, रेत इकट्ठी जा रही है मेरे साथ साथ ही। आने आ जाओ पापा साथ आ जाओ, अंजीत को भी मजा आ रहा है आने के लिए, आ रहा है, आ जाओ। ठीक है, तो सारे कपड़ों में रेता ही रेता घुस गई है, वो भी आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग। काम ओ अंजीत पहले जा रहा है हमसे, देखते कौन फर्स्ट आएगा। अंजी लेट्स सी, लेट्स सी हू कम फर्स्ट। दुनिया भी हिम्मत कर रही है हमें देख के आने की, याशिका को जोश आ गया, अब बीच पे जा रही है पानी में छेलने के लिए, जल्दी आओ अंजीत। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो तोरी आपने देखा अच्छे से, पैराग्लाइडिंग भी इंजॉय करी, सैंड ड्यूम्स भी देखे इतने बड़े बड़े समुद्र के किनारे पे, और आपने इतने अच्छे अच्छे म्यूजियम भी देखा जिसमें इतने अच्छे अच्छे क्रिएचर्स बनी हुई थी। तो हैट्स ऑफ टू जापान जिसने इतना इंपॉर्टेंट, इतनी अच्छी अच्छी टेक्निकल चीज़ें बनाई और इतनी मतलब इम्पॉसिबल लगनी जैसी चीज़ें बनाई, तो थम्स अप फॉर जापान। और जिसने भी ये वीडियो देखी और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस ट्रिप पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाली है। बाय 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 सीट पर।